करेंगे थर्ड लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। इसमें हम लोग सीखेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस क्या है, चाहे तो ऊपर हेडिंग दे दें डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, हेडिंग दे दीजिए डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पहले समझते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को चेंज करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। अब अंडर सर्टेन कंडीशन क्या है, तो जैसे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए स्टेट को बदलिए, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट रखते हुए स्टेट को बदलिए, तो इस तरह से इनफाइनाइट कंडीशन आप बना सकते हैं जिसके अंडर किसी भी सिस्टम के स्टेट को चेंज कर सकते हैं और उनमें से हर केस एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकली भी इस चीज को देख सकते हैं। सपोज हमने एक पीवी डायग्राम बनाया, वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम। इस डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, क्वेश्चन वगैरह में यूज करते हैं इंडिकेटर डायग्राम। अब इसी में मान लीजिए इनिशियली आई से हमने किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट किया और फाइनल स्टेट है एफ। अब अगर आई से एफ की बात करें तो आई से एफ देख सकते हैं इस तरह से, यहां पर हम कुछ पाथ को ड्रॉ कर रहे हैं, तीन पाथ हमने यहां से ड्रॉ किया। यहां पर जितने भी तीन पाथ दिखाएं ये तीनों तीन प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि आई से एफ कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ बिटवीन आई एंड एफ, और हर पाथ के कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस होगा। तो कितने प्रोसेस हो सकते हैं, तो जनरली बच्चे बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, ये चार का नाम लेते हैं। तो ध्यान रखिए प्रोसेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, उनमें से ये चार स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं जिनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, और इनको पढ़ने के बाद हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हम फिर किसी भी प्रोसेस को डिस्कस कर पाते हैं। तो एक लाइन चाहे तो प्रोसेस के बारे में लिख लीजिए, चेंजिंग स्टेट ऑफ सिस्टम, चेंजिंग स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर सर्टेन कंडीशन, चेंजिंग स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर सर्टेन कंडीशन इज नोन एज प्रोसेस, फुल स्टॉप। एज स्टेट ऑफ सिस्टम, एज स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड, एज स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड इन इनफाइनाइट पॉसिबल वेज, therefore infinite processes are possible, therefore infinite processes are possible out of which some standard processes are, out of which some standard processes are isobaric, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले तीन प्रोसेस के बारे में तो हम लोग यहां पर क्या उनका इक्वेशन होता है, क्या कैसे उनके ग्राफ होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फोर्थ प्रोसेस के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस है, उसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे। इन सभी प्रोसेस के बारे में हीट वर्क इंटरनल एनर्जी का चेंज ये सब आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमारा फोकस बस इनके इक्वेशन पर और इनके ग्राफिकल पार्ट पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस पर। अब जब आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाए इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। अगर आइसो वर्ड पे ध्यान दें तो आइसो मींस सेम एंड बार, याद करिए बार किसकी यूनिट है,
प्रेशर। तो बेसिकली बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे थ्रू आउट प्रोसेस, प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन होल प्रोसेस। तब आप बोलेंगे कि प्रोसेस आइसोबारिक है। किसी भी सिस्टम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, सॉलिड लिक्विड, अगर प्रेशर थ्रू आउट प्रोसेस कॉन्स्टेंट है तो प्रोसेस इज आइसोबारिक। ज्यादातर अपना फोकस वैसे आइडियल गैस के लिए होगा। अब जैसे इसी में अगर आपसे पूछें ट्रू फॉल्स में अगर एक स्टेटमेंट दिया जाए, इफ पी आई इज इक्वल टू पी एफ और डेल्टा पी इज जीरो, देन प्रोसेस मस्ट बी आइसोबारिक। क्या सोचते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? अगर इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, या डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्रेशर, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो, तो उस केस में प्रोसेस मस्ट बी आइसोबारिक। तो ध्यान दें, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, तो इसको ग्राफिकली देख लीजिए। मान लीजिए पीवी ग्राफ ही हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह का कर्व। अब अगर इस ग्राफ में देखें तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, बट अगर इंटरमीडिएट स्टेट्स की बात करें तो इनिशियली गैस का ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा और फिर बाद में प्रेशर कम हुआ है। तो इनिशियल फाइनल भले सेम है, बट इस केस में प्रेशर बीच में चेंज हो रहा, इसलिए ये आइसोबारिक नहीं है। तो अगर इस डायग्राम के रिगार्डिंग बोले तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ या डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये जरूर जीरो है, बट डीपी इज नॉट जीरो। डीपी क्या है, तो कोई भी बीच का कोई भी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, बीच के कोई भी दो स्टेट में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बीच में प्रेशर बदल रहा है, इसलिए डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर इज नॉट जीरो, ऑलवेज बीच में चेंज हो रहा है। तो दिस इज नॉट आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब अगर आप बोलते हैं तो इसमें यहां ध्यान रखेंगे होल प्रोसेस में बोला गया है। मतलब अगर हम मैथमेटिकल कंडीशन की बात करें तो पी कॉन्स्टेंट, और अच्छा अगर रहेगा बोलेंगे डीपी इज जीरो, देन प्रोसेस इज आइसोबारिक। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं कि अगर किसी आइडियल गैस के रिगार्डिंग बोला जाए तो उस केस में और क्या एडिशनल कंडीशंस आएंगे इस प्रोसेस में। तो फॉर नेक्स्ट पॉइंट आइडियल गैस, अपने पास इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन में अगर ध्यान से सोचे तो कितने वेरिएबल हैं, मोस्टली बच्चे बताते हैं पी वी एंड टी। ध्यान रखिएगा एक एन भी वेरिएबल है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल पे टेम्परेचर, वी वॉल्यूम ऑफ गैस और पी प्रेशर। तो बेसिकली पी वी एन एंड टी, ये टोटल चार वेरिएबल हैं। मोस्टली अमाउंट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट रहता है, एन कॉन्स्टेंट आपको होता है, बट समटाइम्स ये बदलता है। तो अगर हम यहां बात करें, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी। अब अगर बोला जाए फॉर आइडियल गैस इन, या फॉर गिवेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, अगर आइडियल गैस के गिवेन अमाउंट के लिए आइसोबारिक प्रोसेस में बात करें तो गिवेन अमाउंट मींस एन को कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा टर्म कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, और बोल सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मींस वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है,
कि यदि वॉल्यूम को डबल करिएगा, इफ वॉल्यूम इज डबल्ड दैट मीन्स टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज ऑल्सो डबल्ड। अगर इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इनिशियल बाई बी फाइनल टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। यहां पर ध्यान रखेंगे टेम्परेचर का रेशियो है, बट इनको डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करके ही आप इसको पुट करेंगे। अब अगर इसी में छोटा सा ये क्वेश्चन कर लीजिए, फॉर आइडियल गैस और गिवेन अमाउंट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 cc टू 2 cc टू 5 cc टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम को 2 cc से 5 cc चेंज कर रहे हैं कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, देन टेम्परेचर 127 डिग्री सी से कितना डिग्री सी होगा। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके निकालें। अगर वॉल्यूम को प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए 2 cc से 5 cc हमने चेंज किया तो टेम्परेचर 127 डिग्री सी से कितना डिग्री सेल्सियस होगा। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा और सही निकाला होगा, तो मिलाते हैं। तो बेसिकली यहां पर अगर देखें तो V चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो Vi आई अपॉन वी एफ इज टी आई अपॉन टी एफ। डायरेक्ट भी वैसे बोल सकते हैं कि अगर 2 से 5 देखिए तो कुछ 2.5 टाइम्स हो रहा है, तो टेम्परेचर भी 2.5 टाइम्स। लेकिन ऐसा मत लिख दीजिएगा कि फाइनल टेम्परेचर 127 इंटू 2.5, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में है, 2.5 टाइम्स जरूर टेम्परेचर होगा बट इन केल्विन। तो ओरली भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस केस में इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, इंटू 2.5 करिए, केल्विन में आएगा फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा आ जाएगा, या मैथमेटिकली ही सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 इनिशियल टेम्परेचर, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 127 प्लस 273 और फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा यहां से आपको, तो टी फाइनल इधर देखें तो 300 इंटू 5 अपॉन 2 ये आपका आ गया 1000 केल्विन। पहला ऑप्शन आपका रहेगा 1000 डिग्री सी, तो ध्यान रखिएगा ये केल्विन में आया है, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना अगर हमें है तो टी फाइनल इज 1000 माइनस 273 727 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका फाइनल। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसका रिवर्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक सिमिलर क्वेश्चन एस डब्ल्यू लिख लीजिए, इन आइसोबारिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस ऑफ गिवेन अमाउंट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 227 डिग्री सी टू 927 डिग्री सी, देन फाइंड फाइनल वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम इज 2 लीटर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट रिवर्स में दिए हैं, सेम पैटर्न पे करिएगा आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को आप केल्विन में यूज करना। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कभी बोलते हैं आइसोबारिक हीटिंग कर रहे हैं या आइसोबारिक एक्सपेंशन मैं कर रहा हूं,
आइसोबारिक एक्सपेंशन में बताइए हीटिंग होगा या कूलिंग होगा, इस तरह का। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन बोले, आइसोबारिक एक्सपेंशन मींस प्रेशर इज कांस्टेंट और एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमने रिलेट किया बी प्रोपोर्शनल टू टी, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो देयरफॉर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी भी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा मतलब बेसिकली हीटिंग। तो ये आपका सही होगा, ये गलत। इसी तरह से अगर कभी पूछ दे कि चलिए आइसोबारिक कूलिंग हो रही है तो बताइए एक्सपेंशन होगा कि कॉम्प्रेशन, तो अगर आइसोबारिक कूलिंग बोल रहे हैं तो वर्ड को समझिए, आइसोबारिक कूलिंग मतलब पी कांस्टेंट, कूलिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा, वॉल्यूम भी कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा कॉम्प्रेशन, वॉल्यूम बढ़े तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम घटे तो कॉम्प्रेशन। तो इन चीजों को रटना नहीं है, इनको समझते हुए रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं इसके ग्राफिकल पोर्शन पे। ग्राफ से अक्सर डर लगता है पीएमटी वाले बच्चों को, तो देखें ग्राफ में बहुत ज्यादा उसमें आपको परेशान नहीं होना है, तीन चार ग्राफ का नेचर ध्यान रखिए, जैसे स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx के फॉर्म का लाइन, फिर आपको पैराबोला का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ध्यान रखिए, कहीं कहीं आपको एलिप्स और सर्कल वगैरह का यूज होगा, तो मोस्टली तो आपको स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला वगैरह पैराबोला से ही बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ग्राफ्स ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, अंडरस्टूड है, यहां हम आइडियल गैसेस के लिए ही सब बनाएंगे। इस एक्सिस पे प्रेशर, इधर वॉल्यूम, मैं प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सिस पे वेरिएबल्स शो कर रहा हूं, आपको ग्राफ खुद से बनाना है, फिर मिलाएंगे। चलिए पहले इतने ड्रॉ करते हैं, फिर और भी करेंगे। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सब ड्रॉ कर लिया होगा। अब इन सभी केसेस में ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, तो प्रेशर।
तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जो भी वेरिएबल कांस्टेंट हो वो वेरिएबल जिस एक्सिस पर है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर वर्टिकल में आइएगा प्रेशर चेंज होगा, इंक्लाइन लाइन पे जाइएगा प्रेशर बदलेगा, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर कभी इसी ग्राफ में इस तरह से हमने एरो मार्क कर दिया या यहां इनिशियल लिखा यहां फाइनल, अब पूछें कि बताइए ये आइसोबारिक प्रोसेस तो है, इसमें हीटिंग हो रही है या कूलिंग? तो अभी जैसे आपको बताए थे यहां से यहां जाने पर वॉल्यूम एक्सिस पे अगर ध्यान से सोचें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पर तो बेसिकली ये आइसोबारिक प्रोसेस तो है ही और साथ में एक्सपेंशन, और आइसोबारिक एक्सपेंशन में अभी हम लोग पढ़े थे जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये इसमें हीटिंग हो रही है। तो इसको अगर केवल आइसोबारिक प्रोसेस बोले एक लाइन बना दिए, आइसोबारिक एक्सपेंशन बोले या आइसोबारिक हीटिंग बोलेंगे तो उस केस में इस तरह से एरो आप मार्क कर सकते हैं। देन अगर इस केस में देखिए तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर, यही आपका प्रोसेस हो गया। एरो वगैरह हम तब बता पाएंगे जब हीटिंग कूलिंग वगैरह हमें कुछ मालूम हो। तो अभी जस्ट आइसोबारिक के लिए यहां पर लाइन। अब यहां पर अगर सोच के देखें तो इधर वॉल्यूम इधर टेम्परेचर, प्रेशर दिखी इसमें नहीं रहा है, तो सोचते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन क्या था। तो इसमें वी प्रोपोर्शनल टी के केस में अगर हम लोग सोचें तो मैं इधर उसका कर दे रहा हूं, थर्ड केस में वी प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर वी को हमने वहां पे निकाला था अगर इक्वेशन याद हो तो एनआर अपॉन पी इंटू टी। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा टर्न कांस्टेंट यही है हमारा वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर, और ये कांस्टेंट काम कर रहा है किसका, स्लोप। तो ये कुछ वाई इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स, ये मास नहीं है ये स्लोप आपका रिप्रेजेंट कर रहा। तो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन का ये है और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, तो वाई बराबर एम एक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस ग्राफ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर क्या इस ग्राफ में जैसे बी प्रोपोर्शनल टी जब आपका आया तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इफ टी इक्वल टू जीरो देन v इक्वल टू जीरो, सोच के बताएं। अगर बोला जाए आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर जीरो है तो वॉल्यूम जीरो होगा, t जीरो तो v जीरो। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है तो दिस वन इज फॉल्स। क्यों बच्चे फॉल्स है सोच के देखें, तो यहां से इक्वेशन से तो सही लग बट फॉल्स लिखे हैं। तो रीजन इसका ये है, बेसिकली जब आप टेम्परेचर को जीरो करते हैं, टेम्परेचर को जब हम लोग जीरो कर देते हैं तो उस केस में होता क्या है, सभी के सभी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी जीरो, सभी के सभी मॉलिक्यूल रेस्ट में आ जाएंगे। जब सभी मॉलिक्यूल रेस्ट में आ जाएंगे तो वो वॉल से टकराएंगे नहीं, और हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि जो भी गैस के कारण प्रेशर डेवलप होता है वो क्यों आता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराते हैं, वॉल से टकरा के रिटर्न होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज होता है और मोमेंटम चेंज के कोरिस्पोंडिंग वो प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल पे। तो चूंकि यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, सबके सब मॉलिक्यूल रेस्ट में आ गए हैं, तो टेम्परेचर जीरो करने पे हो जाता है प्रेशर जीरो। तो ध्यान रखेंगे इफ टी इक्वल टू जीरो देन टी इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर जीरो होने से प्रेशर जीरो होगा, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। तो अगर इस इक्वेशन से क्या गलती हो जा रही है, ये तो बात है कि चलिए, तो बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन ये था आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसी इक्वेशन को रीअरेंज आप किए थे और पी को लाए थे, पी से डिवाइड किए थे या पी को लाए थे डिनोमिनेटर में। तो ये तभी पॉसिबल है जब पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब प्रेशर जीरो नहीं हो तभी आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, जीरो से कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और यहां पर जीरो से पी से डिवाइड किए हैं तो ये इस कंडीशन में एप्लीकेबल। इसलिए यहां से देखिएगा तो आंसर आपको गलत मिलेगा। हाँ, इस इक्वेशन से सोचिए, जब टी को जीरो कर रहे हैं तो पी जीरो हो जा रहा है, तो एलएचएस भी जीरो आरएचएस भी जीरो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप टेम्परेचर को जीरो करेंगे, जीरो मतलब जीरो केल्विन यहां पर है,
जीरो कैल्विन जीरो डिग्री सी मत समझिएगा, जीरो कैल्विन अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में प्रेशर जीरो होता है, सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में आ जाते हैं, कोई कोलिजन वॉल से नहीं होगा, कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम तो कंटेनर का आप लेते हैं वो एज इट इज रहेगा। इसलिए भी यहां पर इसको ओरिजिन से नहीं मिलाए हैं, यहां डॉटेड लाइन शो की है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आइसोबारिक में इसको ध्यान रखेंगे। फिर इस ग्राफ और इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखिए तो देखने में लग रहा है सब कुछ तो वैसा ही है, यहाँ टी लिखे हैं, यहाँ कैपिटल टी ही और साथ में डिग्री सेल्सियस लिखा गया है। तो जब हम डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले रिलेशन देखना होगा कि डिग्री सेल्सियस के साथ वाले टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पी वी, या फिर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं फोर्थ केस के ग्राफ के लिए एक्सप्लेनेशन, वी इज एन आर अपॉन पी और इधर लिखा हमने टी, ये टी किस में है तो केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में हमें इसी को कन्वर्ट करना है तो एन आर अपॉन पी और टी प्लस 273, टी प्लस 273। तो ये आपका रिलेशन बना। मतलब अगर अभी देखें इक्वेशन, ये टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में, वहां इंडिकेट कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल टी लिखा गया है बट उसका मतलब है बेसिकली डिग्री सेल्सियस। अब अगर ग्राफ देखें तो वाई एक्सिस पर है, एम एक्स प्लस सी टाइप का है, तो बेसिकली ग्राफ तो यहां भी स्ट्रेट लाइन है बट ये स्ट्रेट लाइन किस नेचर का है, तो वाई इज एम एक्स प्लस सी। पिछला जो ग्राफ था एम एक्स फॉर्मेट का था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस ग्राफ के लिए कुछ इंटरसेप्ट आएगा और इंटरसेप्ट कैसा है तो देख सकते हैं कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। मतलब अगर हम इसी केस में थोड़ा पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और ये टेम्परेचर कितना होगा तो इसको अगर एग्जैक्टली हम लिखें तो 273.15, ये अप्रोक्सीमेट 273 लिखा जाता है, एग्जैक्ट अगर आप लिखेंगे डिग्री और केल्विन में कन्वर्जन तो 273.15। तो यहां पर ये माइनस में है, पुट करके देख लीजिए, जब निगेटिव में टी रखिएगा तब जाके ये जीरो इक्वल इक्वेशन होल्ड करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसके बाद फिफ्थ वाले केस में आते हैं, वी वर्सेस 1/t का ग्राफ। वी वर्सेस 1/t के ग्राफ के लिए अगर देखें तो वी इज इक्वल टू, या वी प्रोपोर्शनल टी था, 1/t का अगर देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, वी इंटू 1/t इज सम कांस्टेंट, ऐसे भी तो लिख ले, इज एन आर बाई पी इंटू टी, और यही आपका आएगा एन आर अपॉन पी जो कि कांस्टेंट। अब अगर सोचिए तो ये वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर, y इंटू एक्सिस कॉन्स्टेंट, याद करिए ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो यहां पर ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस केस में अगर आते हैं सिक्स केस में तो v अपॉन टी, तो हमने पढ़ा है अभी v अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट, जस्ट पिछले केस में ही अभी निकाले हैं, v अपॉन टी अगर देखिए तो कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर बदल सकता है तो आइसोबारिक प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई परेशानी नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो जस्ट। फिर आते हैं सेवंथ नंबर ग्राफ में, अगेन v बाई टी, वॉल्यूम, वॉल्यूम बदल सकता है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो यहां पर इस तरह बना दी। v बाई टी वर्सेस p का बनाना है। अब यहां परेशानी है कि v बाई टी अगर देखें तो ये भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो जब x और हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं तो उस केस में ग्राफ आएगा पॉइंट। जैसे आपसे बोले x इक्वल टू 2 तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 पे ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू 3 y एक्सिस के परपेंडिकुलर 3 पे स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, लेकिन x बराबर 2 और y बराबर 3 बोलेंगे तो आपको जस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा 2 3 कोऑर्डिनेट वाला,
तो इस केस में ग्राफ एक सिंपल पॉइंट आएगा, कोई लाइन वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि इधर बढ़िएगा तो प्रेशर बदलेगा, इधर जाइएगा तो VT बदलने लगेगा, तो एक सिंपल पॉइंट। देन अदर ग्राफ्स आते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा थर्ड फोर्थ थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला भी मॉडिफाई करके पूछते हैं फिफ्थ ऑल्सो। और भी कुछ ग्राफ आइसोबारिक के ही रिगार्डिंग, नाइन्थ ग्राफ अगर सपोज पूछा जाए इस एक्सिस पर सब हमने रखा डेल वी अपॉन वी डेल टी इस एक्सिस पे टी, वीडियो को पॉज करिए और ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ही हमें ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पे डेल वी अपॉन वी डेल टी और एक्स एक्सिस पे टी, कोशिश कर लिया होगा आपने। अब मिलाते हैं, अब जैसे यहां पर डेल वी वी डेल टी आ रहा है तो सोचते हैं पहले की रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, क्योंकि तभी ग्राफ बना पाएंगे। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इसके बाद सिंस प्रेशर इज कॉन्स्टेंट दोनों साइड डेल्टा लीजिए, इस तरह का कैलकुलेशन एरर एनालिसिस में आप करते हैं। तो चूंकि पी कॉन्स्टेंट है तो पी को बाहर निकाल लें, पी डेल वी इज एन आर डेल टी। इंपॉर्टेंट रिलेशन कब ये यूज करेंगे, फॉर आइसोबारिक। आगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा P डेल्टा V कैन बी रिटेन एज एन आर डेल्टा T इन आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसके बाद अगर यहां पर सोचें तो क्यों मैंने इस चीज को निकाला, क्योंकि डेल V डेल T मुझे दिख रहा था। अगर डिवाइड करते हैं इन दोनों को, डिवाइड करिए न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में इसको, P कैंसिल आउट, तो डेल V अपॉन V इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो एन आर कैंसिल डेल T अपॉन T। अब जो एक्सिस पर है उसको रिलेट करें तो वी डेल्टा टी इज वन अपॉन टी। अब ध्यान से अगर देखें तो यही है हमारा वाई एक्सिस पर और ये वाला टर्म यही है आपका एक्स एक्सिस पर। तो ये ग्राफ या डिनोमिनेटर में टी है, तो ये कुछ इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स या एक्स इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट। एक्स इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट मीन्स ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। देन टेंथ ग्राफ वी वर्सेस टी का हमने ड्रॉ किया और इसमें बता दिया गया है दो आइसोबारिक प्रोसेस हैं जिनके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है, एक में प्रेशर P1 दूसरे में प्रेशर P2। अब आपको कंपेयर करना है कि बताइए P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2, P1 इक्वल टू P2 और डेटा इनसफिशियंट। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पहले भी आया है, तो आगे भी ये पहले भी रिपीट हुआ है, आगे भी पूछेंगे, एवरग्रीन क्वेश्चन, तो आपने कर लिया होगा। अब इसको करते हैं, इसको दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं कि चूंकि VT ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिमाग में इस चीज को बैठा लो, रट लो कि अगर VT ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब वो प्रोसेस है आइसोबारिक। तो ये भी आइसोबारिक है, ये भी आइसोबारिक। अगर हम पूछें कि यहां पर प्रेशर ज्यादा कि यहां प्रेशर ज्यादा कि यहां पर प्रेशर ज्यादा, तो ये पूरा प्रोसेस ही आइसोबारिक है। यहां भी प्रेशर P1 होगा, यहां भी P1 होगा, हर पॉइंट पर ही इस लाइन पर प्रेशर P1 है।
उसी तरह से इस लाइन पर भी कोई पॉइंट लेके अगर प्रेशर पूछे तो हर पॉइंट पे प्रेशर पी टू है। अब अगर इन दोनों को हमें कंपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड तो ऐसे आप कर सकते हैं कि हमने देखा था इक्वेशन में V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी। तो यहां से अगर देखें तो स्लोप इज बेसिकली एन आर अपॉन पी। गिवन केस में क्वेश्चन में हो सकता है लिखें, हो सकता है नहीं भी लिखें, तो उसमें एन को हमें कांस्टेंट मानना होगा। तो अगर एन कांस्टेंट है तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। कब? जब एन की वैल्यू कांस्टेंट हो तब। तो एन कांस्टेंट देन आप बोल सकते हैं स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। अब स्लोप आपको देखने आता है, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा इसका स्लोप ज्यादा है, तो पी वन इज लेस देन पी टू। एक मेथड आपका इसका ये है। दूसरा मेथड भी सीख लीजिए, और ये तरीका कहीं भी इस तरह के दो कर दिए रहते हैं उनमें डिसाइड करना हो तो स्लोप वाला मेथड हो सकता है हमेशा वैलिड ना हो, बट अब जो मेथड कर रहे हैं ये आपका हमेशा काम करेगा। सेकेंड मेथड, इसमें इस तरह दो लाइन बनाया गया है और हमें डिसाइड करना है कि बताइए किसमें प्रेशर ज्यादा है, पी वन ज्यादा है या पी टू। तो यहां पर आप एक काम करो, या तो एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लो या एक वर्टिकल लाइन, जो लाइन आपको अच्छी लगे उसको आप बना लें। सपोज हमने यही एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लिया। अब अगर इस हॉरिजेंटल लाइन पे देखेंगे तो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहे हैं, तो इस पे क्या कांस्टेंट हो गया? वॉल्यूम। इस लाइन पर, ये अपने मन से हमने बनाया, इस लाइन के हर पॉइंट पर वॉल्यूम सेम। अब अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन देखें तो n कांस्टेंट, r कांस्टेंट और v है कांस्टेंट, मतलब p प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपका? t। अब अगर यहां से यहां आप बढ़ रहे हैं तो सोचिए यहां से यहां जाने पर प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हो रहा है इस केस में? बढ़ रहा। कैसे पता चला? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कम है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज्यादा। तो यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर को भी बढ़ना चाहिए क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू T। तो बेसिकली वन से ज्यादा प्रेशर होगा टू, तो इससे भी डिसाइड कर सकते हैं, और अगर स्लोप ध्यान रहे तो इससे भी डिसाइड कर सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ऐसा मत सोचिएगा अच्छा वन से ज्यादा दो होता है, वो जरूरी नहीं है, वन टू इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सारे ऑप्शंस हैं, और मान लीजिए इस तरह का हमने ड्रॉ किया, यहां का प्रेशर P1, यहां का P2, इस एक्सिस पे T, इस एक्सिस पे P। ऑप्शंस यही सारे हैं, डिसाइड करिए, यहां पर V है, यहां डिसाइड करिए, इधर V, इधर T, डिसाइड करिए P1 ज्यादा या P2। वीडियो पॉज करें, सफिशियंट टाइम लेके चेक करिए, उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब यहां पर अगर सोचें तो क्या ये प्रोसेस आइसोबारिक है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आइसोबारिक होता तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता, बट ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो है नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो यहां से अगर देखें डिसाइड करना है तो यहां से हम एक अपने मन से एक लाइन खींचते हैं, ये दिया नहीं है, हमने अपने मन से एक लाइन बनाया। अब बताइए इस ब्लू लाइन पर अगर बोला जाए तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है और हर जगह प्रेशर सेम, इस वाले लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम P2, और अभी आपने डिसाइड किया था इन दोनों पॉइंट के बीच किसका प्रेशर ज्यादा है, तो उस केस में P2 ग्रेटर आया था P1 से, तो बोल सकते हैं क्लियरली P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ये आइसोबारिक नहीं था, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस हमने अपने मन से दो लाइन ड्रॉ किया और आइसोबारिक होने के कारण हर पॉइंट पे प्रेशर सेम, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के प्रेशर को हमने इन दोनों की मदद से रिलेट कर लिया। इक्वेशन से भी जाके निकाला जा सकता है, बट उसमें
टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो अब अगर इन सभी केसेस में सोचें तो ग्राफ हमने कई सारे ड्रॉ कर लिए, कई सारे आपके ग्राफ आए, सब ग्राफ को आपको रटना नहीं है, कौन कौन सा ग्राफ ध्यान रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ रीजन, आइसोबारिक। दूसरा ध्यान रख सकते हैं आप, वो डिग्री सेल्सियस वाले पे कभी कभी पूछ देते हैं। थर्ड ग्राफ आप उसमें डेल्टा वी वाला ध्यान रखिए, और ये दो वाले केस, यही तीन चार ज्यादातर आते हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यही ग्राफ्स हुए। अब आते हैं हम लोग बाकी वर्क हीट वगैरह निकालना, अगले चैप्टर में आप सीखेंगे, अभी बस ग्राफिकल पोर्शन। एक और रिलेशन जो आया था उसको भी याद रखिएगा, पी डेल्टा वी हमेशा नहीं होता है एनआर डेल्टा टी, ये कब आता था तो आइसोबारिक में। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका एक और नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। बहुत ज्यादातर आपका आइसोकोरिक वर्ड ही यूज होगा, बट कहीं आइसोमेट्रिक भी अगर लिखे तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम। अब इस केस में सारी बातें कुछ उसी टाइप की होंगी जैसा आइसोबारिक में किए हैं, तो अगर यहां पर बोला जाए तो आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है, तो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट इन होल प्रोसेस। फिर यहां पर वही बात आएगी कि क्या डेल्टा वी अगर जीरो हो तो प्रोसेस आइसोबारिक है, प्रोसेस विल आइसोबारिक नहीं सॉरी आइसोकोरिक है। तो बोले अगर डेल्टा वी जीरो हो तो प्रोसेस आइसोकोरिक, तो बोला जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि हो सकता है जैसे अगर हम फिर वैसे ही ग्राफ में शो करें, इधर वॉल्यूम इधर प्रेशर, अगर यहां पर देखें तो इनिशियल और फाइनल दोनों वॉल्यूम सेम है, इनिशियल फाइनल दोनों जगह वॉल्यूम सेम, बट बीच में देखें वॉल्यूम कम हुआ है, पीछे जा रहे हैं कम हुआ फिर वापस सेम हुआ है, तो वॉल्यूम यहां पर वी आई इज इक्वल टू वी एफ बट वी डी वी इज नॉट जीरो, तो दिस इज नॉट आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो ध्यान रखिए v वॉल्यूम कांस्टेंट एज वेल एज कह सकते हैं dv इज जीरो। तो प्रोसेस में किसी भी छोटे से इंटरवल में अगर आप वॉल्यूम का चेंज देखें तो हमेशा होना चाहिए जीरो। अब अगर किसी को बोला जाए सपोज आइसोबारिक आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है, मान लीजिए आपसे कहें आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है, तो बताइए आइसोकोरिक हीटिंग में क्या होगा, प्रेशर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बढ़ेगा कि घटेगा? आइडियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हुआ, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तो आइडियल गैस के लिए पहले निकाल लेते हैं फिर वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है इस केस में, तो वी को राइट हैंड साइड भेजिए, एनआर अपॉन वी इंटू टी, मीन्स अगर देखें तो गिवेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस के लिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट, पी प्रोपोर्शनल टू टी, तो फॉर एन कांस्टेंट एज वेल एज एन कांस्टेंट एज वेल एज वी कांस्टेंट पी प्रोपोर्शनल टू टी। अब केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हैं तो इन सब के नाम हैं, वहां यहां पे नाम से हमें बहुत लेना देना नहीं है, तो P प्रोपोर्शनल टू T, यहां मतलब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर को हाफ करेंगे केल्विन स्केल पर तो कह सकते हैं आप प्रेशर भी हाफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है।
मतलब अगर 1 atm से 3 atm अगर मैंने प्रेशर कर दिया तो बताइए 300 केल्विन से कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो प्रेशर को 3 गुना किए हैं, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर भी 3 टाइम्स कर दीजिए, इतना केल्विन। अब इसी बेसिस पर इसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर बताएं कि अगर आइसोकोरिक हीटिंग की बात कर रहे हैं तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा, और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर भी बोलो बढ़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीजेस डिक्रीजेस ये गलत बोला जाएगा, दिस वन इज राइट। देन आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ्स पे आते हैं। ग्राफ की अगर बात करें तो वैसे ही सारे ग्राफ्स हैं, सपोज इधर बी टी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर। अब जैसे यही 3 हमें ड्रॉ करना है, मैं पिछले क्वेश्चन पिछले प्रोसेस जैसा ही है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्राफ, इस केस में वॉल्यूम एक्सिस वर्टिकल वाला है तो जो भी कांस्टेंट उसके परपेंडिकुलर, और वैल्यू भी आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। यहां से अगर देखिए तो इंटायर लाइन पर यही वाला वॉल्यूम होगा, इसमें इंटायर लाइन पे यहां वाला वॉल्यूम। P वर्सेस T का ग्राफ कैसा आएगा, तो अभी पढ़े थे P प्रोपोर्शनल T, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू और इज इन, और T 0 पर P 0 होता है, वो अभी हम लोग चेक किए थे। यहां पर अगर स्लोप बात करें कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इक्वेशन वाले पार्ट में जरा देख लीजिए, यहां पर स्लोप इज nr/v, स्लोप इज nr/v। फर्दर अगर मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करें, इस एक्सिस पर सपोज हमने रखा p/t, वर्टिकल एक्सिस पे t/t, और इस पर रखा हमने v, तो v भी कांस्टेंट, p/t भी कांस्टेंट, ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका, पॉइंट। अगर यही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है p/t वर्सेस p, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर बदल सकता है तो बदलने दीजिए। सिमिलरली अगर यहां पे t रखा जाए इधर p/t, तो प्रेशर/टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, अगेन ऐसा। मान लीजिए ड्रॉ किया जाए, इस एक्सिस पे रखा हमने p और इस एक्सिस पे रखा 1/t। अभी देखे थे तो p/1/t, दिस इज nr/v। इसी में t को लेफ्ट हैंड साइड लाइए डिनोमिनेटर में, उसको इस तरह लिख सकते हैं, तो y/x इज कॉन्स्टेंट। कैसा ग्राफ आएगा, तो स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देन अगर ड्रॉ करना है आपको इस एक्सिस पे सपोज प्रेशर हमने रखा, इस एक्सिस पे टेम्परेचर, और कुछ इस तरह की दो कर्व्स हमने बनाया, एन कांस्टेंट है, और इस केस में अगर मान लीजिए आपको डिसाइड करना है कि वॉल्यूम ज्यादा है या वॉल्यूम कम, सिमिलर क्वेश्चन अभी किए थे, डायरेक्ट स्लोप से भी कर सकते हैं या हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन खींच के भी डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर इस केस में स्लोप की बात करिए तो स्लोप क्या आया है, यहीं पर देखे nr/v, जिसका स्लोप ज्यादा उसके लिए कह सकते हैं वॉल्यूम कम, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वॉल्यूम उसके लिए कम, तो स्लोप 1 का ज्यादा है तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कम आएगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो ये सब ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं तेजी से कर रहा हूं इनको, और वैसे शायद केमिस्ट्री में भी आप ये सब पढ़े होंगे।
फिर नेक्स्ट में अगर मान लीजिए ड्रॉ करना है आपको, डेल्टा पी अपॉन पी डेल टी वर्सेस टी का ग्राफ, मान लीजिए इसका ग्राफ हमें बनाना है आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो अब इसके लिए डेल्टा पी वगैरह देखना है, तो जैसे पिछले केस में किए थे आइसोबारिक में पीवी बराबर एनआरटी, दोनों साइड डेल्टा लीजिए। अब यहां सोचिए पिछली बार प्रेशर कांस्टेंट था तो पी को बाहर निकाले थे, यहां क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को बाहर ले सकते हैं, वी डेल पी इज एन आर डेल टी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये कब यूज करिएगा, तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगले चैप्टर में ये काम आएगा, आपको याद रखेंगे। एनआर डेल्टा टी के बराबर पी डेल्टा वी होता है कि वी डेल्टा पी, तो डिपेंड करता है कि प्रोसेस आइसोबारिक है आइसोकोरिक है या कैसा प्रोसेस है, तो यहां पर वी डेल्टा पी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर अगर देखें तो वी कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा डेल पी बाई पी, और राइट हैंड साइड देखेंगे तो डेल टी बाई टी, तो फाइनल रिलेशन अगर लिखना चाहें तो डेल पी अपॉन पी डेल टी, ये आपका आया 1/T, तो ये वाई एक्सिस पर 1/x कैसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर अगर ग्राफ की बात करें तो इसमें जो दो तीन ग्राफ आपको ध्यान रखना है, इस ग्राफ को जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसको आप ध्यान रख सकते हैं, देन ये दो तीन ग्राफ को जरूर ध्यान रखें, बाकी ये सब भी कभी बनाने के लिए आपको पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस पे और करते हैं, सपोज मान लीजिए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सेम मास ऑफ P वर्सेस T ग्राफ हमने बनाया है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सेम मास ऑफ एच ई एंड एच टू इज टेकन, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर सेम मास लिया हमने हीलियम और हाइड्रोजन का और ग्राफ को प्लॉट किया, आपको पहचानना है इसमें, बताइए वन वाला एच टू टू एच ई या वन वाला एच ई टू वाला एच टू, कौन सही है ये डिसाइड करिए, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करके बताइए कौन सा किसके लिए होगा, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब इस केस में देखें तो वॉल्यूम तो सेम है और पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिख भी रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या इसमें ये है कि कैसे डिसाइड करें कि किस गैस के लिए कौन सा है, तो जब हम लोग इक्वेशन देखें तो P इज nR अपॉन V इंटू टी आया था, मतलब अगर देखें तो उस स्ट्रेट लाइन पीवी पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका स्लोप आपका यही था, तो अगर स्लोप की बात करिए तो स्लोप V पे डिपेंड, R कांस्टेंट है V पे डिपेंड करता है और n पर, V तो यहां सेम लिया गया है, तो बेसिकली स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू n, और n को क्या लिख सकते हैं, तो मास अपॉन मोलर मास। इस केस में अगर ध्यान से सोचें तो मास तो सेम लिया गया है दोनों गैस का, मीन्स स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मतलब जिसका मोलर मास कम होगा उसके लिए स्लोप ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्लोप वाले का मोलर मास कम। अब मोलर मास में अगर ध्यान दीजिए तो किसका कम आएगा, आपका H2 के लिए मोलर मास कम है, HE के लिए मोलर मास
ग्रेटर, ये मोलर मास का हुआ वेरिएशन। तो स्लोप के रिगार्डिंग बोल सकते हो आप एच टू के लिए ग्रेटर होगा, एच ई के लिए कम होगा। अब स्लोप एच टू का ग्रेटर, अब इन दोनों में किसका स्लोप ग्रेटर है, तो वन वाले का, मतलब वन वाला एच टू एंड टू वाला एच ई। ऐसे समझ लें, स्लोप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा था, वॉल्यूम सेम लिया गया तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास, मास सेम लिया गया है तो मोलर मास के इन्वर्सली, जितना कम मोलर मास उतना ही ज्यादा स्लोप। तो किसका मोलर मास कम है, एच टू का, तो उसके लिए स्लोप ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्लोप वाला कर्व इसके लिए है। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, इसको जनरेट करिएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एसडब्ल्यू के लिए लिख लीजिए। वी वर्सेस टी ग्राफ हमने ड्रॉ किया, वी वर्सेस टी, एम वन ग्राम एच ई, एम टू ग्राम एच टू, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, फाइंड एम वन अपॉन एम टू। यहां पर मेंशन है कि प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो सेम इसी मैनर में करिएगा, स्लोप को रिलेट करिएगा, यहां भी प्रेशर कांस्टेंट, स्लोप आपका आ जाएगा कुछ एन आर अपॉन पी, तो स्लोप अगेन प्रोपोर्शनल टू एन। अब एन देखेंगे तो मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास दोनों का मालूम, स्लोप दोनों का मालूम, तो मास का रेशियो निकल आएगा। आइसोकोरिक में इसी सब टाइप के ग्राफ आपके आते हैं। तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नाम में अगर इसका देखें, आइसो मीन सेम और थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड। तो बेसिकली इफ टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोसेस, तब बोलेंगे आप प्रोसेस इज आइसो थर्मल। तो टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोसेस मीन्स, अगर कहा जाए तो टी इज कॉन्स्टेंट, क्या ऐसा बोल सकते हैं डी टी इज जीरो, तो बिल्कुल बोलना होगा डी टी जीरो। डेल्टा टी अगर जीरो हो तो आइसो, बोलिए डेल्टा टी अगर जीरो हो तो आइसो थर्मल होना मस्ट है या में है, तो डेल्टा टी जीरो मतलब केवल फाइनल और इनिशियल सेम, जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस आइसो थर्मल ही होगा। तो इफ डेल्टा टी इज जीरो देन टी आई इज इक्वल टू टी एफ बट टेम्परेचर ड्यूरिंग होल प्रोसेस मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट, तो इसको ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल से ग्राफ की बात करें, सपोज इधर पी इधर वी, और अगर मान लें इस तरह का हमने प्लॉट बनाया, यहां पर पी नॉट टू पी नॉट, वी नॉट टू वी नॉट। यहां पर अगर ध्यान से सोच के बताइए, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है या फाइनल टेम्परेचर, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट के लिए प्रेशर 2p0 वॉल्यूम v0 डिवाइडेड बाय nr, इसके लिए देखेंगे तो p0 इंटू 2v0 डिवाइडेड बाय nr, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम है। बट दिस इज नॉट आइसो थर्मल,
क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे पीवी ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो यहाँ इनिशियल फाइनल प्रेशर सेम है, स्टिल आपका इस केस में पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, और इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आगे आप इसके लिए ये भी निकालिएगा कि कितना टेम्परेचर मैक्सिमम इसमें होता है। फिलहाल बस ध्यान रखें, अब आ गया है यहां पर, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर वगैरह निकालने का काम हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी देखेंगे, या हो सकता है इसी चैप्टर के लास्ट में आपको वो भी सिखा दें कैसे मैक्सिमम टेम्परेचर निकाला जाता है। बट इतना ध्यान रखना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन है पीवी ग्राफ, तो आइसोथर्मल तो नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम किसी आइडियल गैस के लिए बात करें, फॉर आइडियल गैस अगर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो PV इज इक्वल टू nRT, अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो फॉर आइडियल गैस ऑफ गिवन अमाउंट, मींस नंबर ऑफ मोल हमने कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में ये पूरा पार्ट आपका हो जाएगा कांस्टेंट, हेंस PV बिकम्स कांस्टेंट। PV कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब इसका मतलब ध्यान दीजिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम को अगर हम V से 2V करेंगे तो प्रेशर P से P बाई 2 होगा, सोच के देखें। यहीं पर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम को डबल करिएगा तो 2 का एक फैक्टर नीचे आएगा, प्रेशर आपका एग्जैक्टली आधा। तो यहां पर अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, यहां देख सकते हैं वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर आपका घटेगा, इसमें इफ आइसो थर्मल के लिए अगर लिखें, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बाई सेम फैक्टर। जैसे आगे एडियाबेटिक प्रोसेस भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रेशर वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर घटता है, बट वहां पर ज्यादा तेजी से प्रेशर घटता है, यहां पर एग्जैक्टली उसी फैक्टर से वॉल्यूम को दुगना तो प्रेशर आता है। और क्या इसमें रिलेट कर सकते हैं, तो चूंकि पीवी कांस्टेंट है तो पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ। और क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा, एनआरटी। अब इसे सोच के बताएं, ये इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे कि फाइनल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस टी की जगह पर आप इनिशियल रखो या फाइनल रखो दोनों चलेगा। तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें ध्यान रखिएगा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसके बाद अगर छोटे मोटे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बोला जाए कि सपोज 100 सीसी से टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम 100 सीसी से 300 सीसी कर दिया गया, तो बताइए 2 atm प्रेशर से फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो ये चीज डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि अगर यहां पर वॉल्यूम 3 गुना किया जा रहा है तो प्रेशर 3 के फैक्टर से कम हो जाएगा, तो 2/3 ऐसे बोले, या फिर फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, पी इनिशियल वी इनिशियल इज पी फाइनल वी फाइनल। तो यहां से अब देखें तो वी फाइनल बिकम्स, एक मिनट, पी इनिशियल, तो ये पी इनिशियल 100 2 atm, वी इनिशियल 100, पी फाइनल निकालना है हमें और V फाइनल 300। तो यहां से P फाइनल लिख सकते हैं 2/3 atm। तो ये ओरली भी आप बता सकते थे कि वॉल्यूम 3 गुना किए हैं तो ये 1/3 होगा। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपके रह सकते हैं। देन आते हैं हम इसके ग्राफ पे कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ कैसे इसमें होंगे।
और यहां भी ड्रॉ करने का तरीका वही होगा जो पहले अपने किए हैं। तो डिफरेंट ग्राफ्स की अगर बात करें तो इस एक्सिस पे सपोज प्रेशर, इस एक्सिस पर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इस एक्सिस पर पी वर्सेस 1/V, इधर रख सकते हैं आप पीवी वर्सेस वी, पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी, चलिए पहले इतने प्रोसेस को बनाने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से ड्रॉ करिए। इस एक्सिस पर पी, इधर बी, T1, T2, सभी ग्राफ को वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर मिलाते हैं। तो मेरे आपने ट्राई कर लिया होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इस एक्सिस पर, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए यही टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका आ गया ग्राफ। टेम्परेचर अगेन यहां है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो फिर टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर। प्रेशर बदल रहा बदलने दीजिए, वॉल्यूम बदल रहा बदलने दीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम दोनों बदल सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, अगर ध्यान से देखें तो ये है वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x। कैसा नेचर इसका होता है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, अच्छे से इसका नेचर ध्यान रखेंगे। देन आते हैं पी वर्सेस 1/V। अब इसका नेचर कैसा होगा तो उसी रिलेशन को देखिए। तो पी प्रोपोर्शनल 1/V ये वाई एक्सिस पर और 1/V एक्स एक्सिस पर। तो बच्चे ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन? तो वाई प्रोपोर्शनल एक्स। तो ग्राफ्स को रटने की बजाय रिलेशन से उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। फिर पीवी वर्सेस वी, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा पीवी तो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा कोई दिक्कत नहीं, तो पीवी कांस्टेंट। फिर प्रेशर भी बदल सकता है आइसोथर्मल में, कोई परेशानी नहीं, ये कांस्टेंट। देन पीवी और टी के बीच बनाना है तो पीवी भी कांस्टेंट है, पीवी का प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और टेम्परेचर भी। तो यहां ग्राफ जस्ट एक पॉइंट। इस केस में पी और वी यहां पर अगर देखें तो बताया गया है आपको कि ये दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये बोला जाएगा, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तभी बता सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस हमारा क्या है। तो इसमें दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहां कैसे निकालेंगे? तो पी, पिछले जो दोनों प्रोसेस में इस तरह के क्वेश्चन आए थे जिसमें प्रेशर को या वॉल्यूम को अपने रिलेट करते थे, तो वहां पर स्लोप से रिलेट कर लेते थे। यहां स्लोप जैसा टर्म निकालने के लिए आपको फिर डेराइव करना पड़ेगा, तो उससे बेटर वहां पर जो दूसरा मेथड देखे थे उससे चेक करते हैं। तो सपोज यही हमारा ग्राफ है और इसमें इस तरह से कर्व बनाया गया T1, T2। हमें डिसाइड करना है कि किसमें प्रेशर ज्यादा है, तो इसके लिए या तो आप हॉरिजेंटल लाइन खींच लें या फिर वर्टिकल लाइन, ये अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं जो आसान लगे। क्या फायदा होगा इस लाइन को खींचने में? तो इस लाइन को अगर हमने ड्रॉ किया तो इस लाइन पे अगर ध्यान से सोचें तो इस लाइन पे कांस्टेंट कर दिया हमने क्या? प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली इस लाइन पर हो गया कांस्टेंट। अब जब प्रेशर कांस्टेंट है और इक्वेशन देखें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, अब पीवी बराबर एनआरटी जब हम लोग लिख रहे हैं इसमें, तो इस केस में प्रेशर को अब यहां से यहां जाने पर सोच के देखिए, तो इधर से लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बढ़ रहा है बच्चे इसमें? तो वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, वॉल्यूम बढ़ रहा।
अब सोचिए प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा तो LHS आपका बढ़ रहा, RHS बढ़ना चाहिए तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा किसका टेम्परेचर होगा, यहां से ज्यादा इधर का टेम्परेचर, मींस 1 वाला टेम्परेचर ग्रेटर होगा, 2 वाला टेम्परेचर कम होगा। एक बार फिर से समझ लें, जब मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पर क्या कांस्टेंट, तो प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तब फिर सोचते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो लेफ्ट से राइट जाने पे वॉल्यूम एक्सिस पर देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा, अब प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम बढ़ रहा, लेफ्ट हैंड साइड का में अगर देखें तो ओवरऑल ये टर्म बढ़ रहा होगा, इसलिए RHS भी बढ़ेगा और RHS बढ़ने में टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब यहां से यहां जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा, तो अगर यहां के टेम्परेचर को देखें T2 यहां T1, मतलब T1 ग्रेटर होगा कंपेयर टू T2। इसी तरह का एक और प्लॉट आप बना सकते हैं, सपोज यहां प्रेशर दिया गया और यहां पर डेंसिटी, अब इसमें ग्राफ आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है और यहां टेम्परेचर T1 यहां टेम्परेचर T2, आपको बताना है अगेन T1 ज्यादा है या T2। अब इन दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन दोनों को देखने का तरीका भी आपका उसी तरह से है, प्रेशर और डेंसिटी के बीच पहले सोचिए रिलेशन और फिर उसको करिए। तो बना लेते हैं, पीवी इज एनआरटी, नंबर ऑफ मोल को आप लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास आरटी, अब यहां से पी मोलर मास, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं डेंसिटी आरटी। इंपॉर्टेंट रिलेशन, प्रेशर इनटू मोलर मास, डेंसिटी गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर। अब अगर हम इसी में बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर देखें तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और प्रेशर डेंसिटी का ग्राफ कैसा दिखेगा, तो यहां से बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसमें इस ग्राफ के लिए बताइए स्लोप क्या आएगा, तो अगर ध्यान से देखें तो R इंटू टी डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही आपका आया इस ग्राफ का स्लोप। तो अब अगर ये दो के लिए आपसे पूछा गया है तो बताइए R सेम गैस सेम है, तो बेसिकली टेम्परेचर जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ग्रेटर, मीन 1 वाला ज्यादा होगा 2 से, ये मत रखना 1 ज्यादा होगा 2 से, सोच के देखेंगे जिसका स्लोप ज्यादा उसके कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर ग्रेटर होगा 2 कम वाले स्लोप वाले ग्राफ से। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि अगर आइसो बारिक या आइसोकोरिक हीटिंग है, आइसोकोरिक अगर हीटिंग कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा, तो बताइए प्रेशर क्या होगा, तो जवाब होगा आपका प्रेशर बढ़ेगा, तो आइसोकोरिक हीटिंग के केस में प्रेशर इंक्रीज करता है। अब पूछेंगे कि बताओ क्यों इंक्रीज करता है, इस टाइप के थ्योरेटिकल सवाल भी ऐसे पूछ लेते हैं, कोई प्रोसेस ऐसे ले लेंगे और बोल देंगे उसमें प्रेशर बढ़ता है घटता है इसका रीजन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस का जब थ्योरेटिकल रहे तो फॉर्मूले से तो आप बता दोगे कि हाँ पीवी बराबर एनआरटी, वी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, बट थ्योरेटिकल लेवल पर या मॉलिकुलर लेवल पर कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए आपको वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर के डेरिवेशन को याद करना होगा, कि जब आप आइसोकोरिक प्रोसेस बोल रहे हैं मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लीजिए ये कंटेनर का वॉल्यूम हो गया है कांस्टेंट, उसके बाद जब हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बताइए क्या बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्पीड से टकराएगा, तो कोरिस्पोंडिंग अगर हम बात करें कि पहले
और बाद में अगर कंपेयर करिए तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ये जल्दी जल्दी टकराएगा। तो ऐसा होने से टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन फ्रॉम पर्टिकुलर वॉल, ये वाला डेल्टा टी ये कम हो जाएगा। और इसके कम होने से जब आप डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डिफाइन करेंगे जो कि फोर्स होता है, तो वो फोर्स आपका बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये सब रिलेटेड आपके हैं, तो बेसिक से सोच के भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, सबकी स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो जल्दी जल्दी टकराएगा। और जब प्रेशर को आप डिफाइन करते हैं तो एक वॉल से दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का इंटरवल निकालते हैं, उसी को बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, और उसके रेसिप्रोकल को आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो उसमें इसी चीज को हम निकालते हैं, तो डेल्टा टी कम हो जाता है स्पीड बढ़ने से, डेल्टा टी कम हुआ तो फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ा तो प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया। अब इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को खुद से सोचना कि आइसोबारिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, आइसोबारिक या आइसोबारिक में तो मान लीजिए प्रेशर आपका कांस्टेंट है, सोच के देखिएगा आइसोबारिक एक्सपेंशन में क्यों आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा, क्यों टेम्परेचर बढ़ता है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको सोचेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो उस केस में बताइए प्रेशर में क्या चेंज आएगा। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, क्यों घटेगा, एटॉमिक लेवल पर इसको या मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचेंगे। तो ये आपके तीनों स्टैंडर्ड प्रोसेस के बेसिक ग्राफ्स हुए। इसके बाद हम लोग करते हैं इसमें ग्राफ का कन्वर्जन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे पीएमटी में या नीट में देखेंगे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, उसको कैसे करते हैं। तो ग्राफ के कन्वर्जन को करने से पहले आपको हर प्रोसेस के ग्राफ को दिमाग में रखना होगा, खास करके तीन ग्राफ की अगर हम बात करें, इस तीन को तो जरूर ध्यान रखिए, 90% प्रोबेबिलिटी है इन्हीं तीनों का आपका यूज होके सवाल बन जाएगा। तो अब इसमें पीवी वीटी पीटी ध्यान दे, ये तीन ग्राफ बनाए हमने, जब टी पीवी बनाए हैं टी कांस्टेंट, वीटी बनाए हैं पी कांस्टेंट, पीटी बनाए हैं बी कांस्टेंट, तीनों प्रोसेस हैं। ये कौन सा आइसोथर्मल, कैसा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस केस में भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर वी कांस्टेंट है, अगर वी कांस्टेंट है तो बचे दो वेरिएबल के बीच स्ट्रेट लाइन, अगर पी कांस्टेंट है तो बचे दो वेरिएबल के बीच स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन अगर टी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक, अब इस केस में हेडिंग दीजिए ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन। मान लें इस क्वेश्चन को पहले मैं कर रहा हूं, सीखना है आपको पी वर्सेस वी, सपोज इस तरह से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया P वर्सेस V, इस तरह हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया, A B C D P भी ग्राफ है। अब क्वेश्चन इसमें बोलेंगे आपसे, ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे कि बताइए इसके लिए ड्रॉ इसके कोरस्पॉन्डिंग पी टी एंड वी टी ग्राफ बनाए। अब ऑब्जेक्टिव वगैरह में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसके इसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं, आपका क्वेश्चन में ये ग्राफ देगा, बोला जाएगा कि इसके लिए इनमें से कौन सा ग्राफ सही है।
ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना रिलेटिवली इजियर होता है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि वहां चार ऑप्शन होते हैं, तो उसमें तरीका ये रहता है कि कोई भी एक प्रोसेस आप यहां देखो, उस प्रोसेस को पहचानिए और चारों ऑप्शन में ढूंढिए किसमें सही है। किस्मत अच्छी रही तो एक ऑप्शन मिल जाएगा, केवल एक ही में वो आपके सही होगा, लगा के आगे बढ़ जाइए, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। लेकिन अगर ए बी में आपने चेक किया और दो ऑप्शन में सही दिख रहा, तो फिर आपको अदर प्रोसेस बी सी सी डी इससे चेक करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो इजिली थोड़ा हो जाता है जब चार ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे, बट प्रॉपरली बनाने का क्या मेथड है वो सीख लीजिए, उससे ऑब्जेक्टिव भी आसानी से आपके बन जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको अच्छे से दिमाग में रखना है और ये चीज दिमाग में रखनी। अब दोनों, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे वीटी ग्राफ आना चाहिए, या वीटी ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो मुझे समझ में आना चाहिए कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो दोनों चीज रिवर्स, ग्राफ से प्रोसेस पहचान ले और प्रोसेस से उस प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ कर सके। चलिए इसके लिए अगर हम पीटी ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे, पीटी ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम सोचते हैं पहले ए से बी में, बताइए ए से बी के लिए क्या कांस्टेंट है। अब देखिए इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, ए से बी पार्ट के लिए अगर ध्यान से सोचे तो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, तो इसमें क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, इस एक्सिस इस ग्राफ में सोचो कि पीटी ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट क्या होता है, तो पीटी ग्राफ है और वॉल्यूम कांस्टेंट यही वाला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से हमने एक रफ स्केच खींच लिया, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। असली समस्या इसमें आती है कि एरो कैसे मार्क करेंगे या ए और बी कैसे लिखेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन में हो सकता है ए बी सी डी ना लिखें, तो एरो दिया अपने मन से अपनी सुविधा के लिए आप ए बी सी डी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो एरो मार्क किया रहेगा सवाल में या ए बी सी डी, दोनों ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी नहीं दिया है। तो मान लीजिए अब ए और बी इसमें कैसे डिसाइड करना है, अक्सर इसमें भी गलती होती है कि ए यहां लिखें कि यहां लिखें। तो इसी प्रोसेस में सोचिए कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और इधर देखिए प्रेशर है, नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमने पढ़ा था कि पी प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू टी। दिमाग में आइडियल गैस इक्वेशन लाइए, बी कांस्टेंट तो पी लेफ्ट हैंड साइड, टी राइट हैंड साइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब P घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा। अब इस ग्राफ में आप सोचो कि A से B जाने पर प्रेशर कम होना चाहिए, तो कॉमन सेंस लगा, इधर प्रेशर है तो प्रेशर कम करने के लिए A को कहीं इधर हमें लिखना होगा और B को कहीं इधर। T में भी आप देख सकते हो इधर से इधर जाने पर ही टेम्परेचर कम हो रहा, तो ये डिसाइड हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपरली पॉइंट को रिलेट करना, कैसे ए बी को डिसाइड किए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट था इसमें तो पी प्रोपोर्शनल टू टी, नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा, प्रेशर कम हो रहा तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो इधर आने पे प्रेशर भी घट रहा और टेम्परेचर भी घट रहा, ओरिजिन की तरफ आप टी में बढ़ रहे हैं तो कम हो रहा, इधर भी नीचे आने से घट रहा। अब आते हैं बी से सी वाले पार्ट के लिए, तो बी से सी में सोचिए क्या कांस्टेंट है, तो प्रेशर एक्सिस के ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो बेसिकली इसमें पी कांस्टेंट, और सोचो तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो बी प्रोपोर्शनल टू टी। उसके बाद देखो यहां से यहां आप जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा, वॉल्यूम राइट हैंड इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, तो क्या बोल सकते हैं टी भी बढ़ेगा, बिल्कुल। तो अब इसमें हमें फिर बी से स्टार्ट करना है, बी से सी बनाना है और प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इस एक्सिस पर। अब यहां हो सकता है आपके मन में आए लाइन ऐसे बनाए कि ऐसे ड्रॉ करें, दो पॉसिबिलिटी होगी, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करें या इधर, तो दोनों तरफ आप बना सकते हैं। अब इसमें कौन सा लेना है, तो यहां से सोचिए वॉल्यूम बढ़ा है और टेम्परेचर भी बढ़ा है, इधर जाओगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब इधर पॉसिबिलिटी नहीं, इधर बढ़ेंगे। इसके बाद सी तक आए, फिर सी से डी, बताइए यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो कैसा प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी भी बोल सकते हैं कांस्टेंट। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा। अब यहां पे सोचिए, तो इस केस में सी से
बी की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए यहीं से लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक। अब इस केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो ऊपर या नीचे जाएगा तो उसमें देख लीजिए प्रेशर में कम होना चाहिए और वॉल्यूम में, प्रेशर यहां से दिख रहा तो प्रेशर में कम होना चाहिए तो इसी को नीचे ले जाएंगे। तो कुछ एक रफ स्केच आप और एक्यूरेसी लाई जा सकती है इस सी पॉइंट वगैरह को डिसाइड करके कि जैसे सी और ए पे कहां प्रेशर वगैरह है तो उसको भी ग्रेजुअली हम आगे करते चलेंगे। अभी जस्ट इतना सीखिए। अब इसी के लिए अगर हम बात करें दूसरे वाले ग्राफ की, बी वर्सेस टी, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट अगर हमें इसी के लिए ड्रॉ करना है, सारे प्रोसेस के एनालिसिस कर चुके हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। फिर बताइए ए कहां लिखें, बी कहां। तो इस प्रोसेस में ए से बी जाने पे टेम्परेचर कम हुआ है, जरूर ए कहीं इधर होगा, बी कहीं इधर, तभी ए से बी में टेम्परेचर कम होगा। फिर बी से सी में क्या हो रहा है, बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो वीटी ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां सोचना है सी किधर बनाए, नीचे या ऊपर, सॉरी बी से पास कराएंगे इसको। तो ये आपका ए बी हुआ, टेम्परेचर कम हो रहा था। अब बी से सी के लिए अगर देखें तो पी कांस्टेंट, तो ग्राफ में कुछ इस तरह का आएगा। अब सी ऊपर लेंगे या नीचे इसको डिसाइड करना है तो सोच लेते हैं, इधर से इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ा है और टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा, तो अब ऑब्वियस है कि ये ऊपर ही मूव करेंगे क्योंकि ऊपर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और अगर टेम्परेचर एक्सिस पर भी देखिए तो वो इंक्रीज कर रहा। तो यही आपका कहीं समवेयर सी आपका हो गया। फिर सी से डी देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर या तो सी से ऊपर ऐसे लेंगे या फिर नीचे की तरफ। कहां तक लेना है तो इसमें देख लीजिए, यहां पर प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा, थोड़ा जगह की लिमिटेशन है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो ये ऊपर, थोड़ा जगह कम हो गया है कुछ इस तरह से। तो ए से बी, बी से सी और सी से फिर डी, कुछ रफली इस टाइप का ग्राफ। अब इसमें इसी पर हमें प्रैक्टिस करना है तो अगले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। एक और चीज ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे कि जब ग्राफ आपका कर्व ओपन हो तो फाइनल जो भी कन्वर्जन होगा वो ओपन ही होगा, जब क्लोज कर्व होते हैं ग्राफ में तो फाइनल ग्राफ भी क्लोज बनता है। तो यहां पर सपोज हमने वीटी ग्राफ बनाया, चलिए इसमें ड्रॉ पीटी एंड पीवी ग्राफ। वीडियो को पॉज करिए, सफिशियंट टाइम लेके ड्रॉ करें, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो अब इस केस में बनाते हैं। अब सपोज इस एक्सिस पर P, इस एक्सिस पे T, हमें PT ग्राफ ड्रॉ करना है तो सोचते हैं A से B, बताइए A से B क्या कांस्टेंट है, तो VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू और इसे, तो इसमें P कांस्टेंट। अब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिख भी रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा। इसी तरह से ड्रॉ ही कर लेते हैं। अब ए से बी वाले पार्ट में देखें तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर,
ए और बी ध्यान से सोच के डिसाइड करिए, ए से बी जाने पर वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है, टेम्परेचर इधर शो किया गया है तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा तो टेम्परेचर को बढ़ने दीजिए ए और इधर आपका बी, तो वॉल्यूम बढ़ा और ए से बी जाने पे देख सकते हैं यहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा। फिर बी से सी के लिए अगर सोचे तो क्या कांस्टेंट है, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी कांस्टेंट मींस पी भी कांस्टेंट हो गया। अब देख सकते हैं बी से सी जाने पे वॉल्यूम में नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा मतलब प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो या तो ऊपर बनाएंगे या फिर नीचे बनाएंगे, कहां ड्रॉ करना है तो ये सोचते हैं, तो वॉल्यूम को घटाना है और प्रेशर को बढ़ाना है, तो वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा, प्रेशर को बढ़ाने के लिए ऊपर ही जाएंगे। तो इस केस में यहां से ऊपर, तो पहले ए से बी, फिर ये आपका बी से सी, उसके बाद सी से ए के लिए सोचिए तो इसमें क्या कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो उस केस के कोरिस्पोंडिंग पीटी ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यही आपका फाइनल ग्राफ बन गया। बेसिकली जब लास्ट वाला पार्ट देखें तो उसका एक आइडिया मिल जाता है कि क्लोज्ड है तो क्लोज्ड ही बनना है, अब कैसा होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट से पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ध्यान दें तो ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, बट गौर से देखिए ए ए बी सी क्लॉकवाइज में है, यहां पर ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज में, तो जब एग्जाम में ऑप्शन को मिलाएंगे सब कुछ सही होने के बाद भी गलती हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पॉइंट्स या जो एरो का है सेंस वो आपको ध्यान रखना है, केवल शेप को नहीं मिलाना है। अब इसी के लिए अगर हमें पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है तो पीवी ग्राफ में पीवी ग्राफ के लिए बनाते हैं, तो ए से बी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट के लिए ड्रॉ कर दिए, ए से बी जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा टेम्परेचर बढ़ रहा, कहीं ए इधर कहीं बी इधर, वॉल्यूम बढ़ा है इधर ए से बी जाने पर। देन बी से सी में बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट, अब टेम्परेचर कांस्टेंट तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसी टाइप का होता है, कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह या इस तरह नहीं बनाइएगा, ये सब गलत रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बस यही पॉसिबल है। तो यहां से या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, अब कौन सा वाला ये सोचना है हमें। तो बी से सी में देखें तो वॉल्यूम कम हुआ है और प्रेशर बढ़ा है, तो बेसिकली ऊपर वाला ही होगा, तो वॉल्यूम यहां से कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का है। इसके बाद देखें तो सी इसी पर कहीं होगा, उसके बाद सी और ए पर देखिए तो वॉल्यूम सेम है, तो बेसिकली यहां से जब ड्रॉ करेंगे थोड़ा जगह की लिमिटेशन कुछ ऐसा, तो बी से सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आपका रहा आइसोथर्मल, देन सी से ए वॉल्यूम के परपेंडिकुलर वॉल्यूम कांस्टेंट। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, इस तरह का यही आपका ए बी सी डी, चलिए बाकी इसमें ड्रॉ करें, ड्रॉ पी बी
पीटी एंड वीटी ग्राफ। वीडियो पॉज करके सफिशियंट टाइम लेके ट्राई करिए और जरूर बनाइए, उसके बाद ही मिलाएंगे। चलिए उम्मीद है आप कर लिए होंगे। अब इस केस में अगेन किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम ए से ही शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन में एबीसीडी ना लिखा हुआ रहे तो अपने मन से कन्वीनियंस के लिए मेंशन कर लें। ए से बी में बताइए क्या कांस्टेंट है, तो देख सकते हैं टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर टी कांस्टेंट। इसके बाद बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ रहा और टी कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब इसी चीज को प्लॉट कर लेते हैं। हमें ड्रॉ करना है पी वर्सेस वी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लिया हमने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमें ए और बी डिसाइड करना है। ए से बी जाने पर प्रेशर बढ़ रहा तो यही कहीं ए होगा, इधर कहीं बी, यही हो गया आपका ए से बी। फिर बी से सी में बताइए क्या कांस्टेंट, प्रेशर। और क्या हो रहा, तो इधर से इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा, प्रेशर कांस्टेंट, बी प्रोपोर्शनल टू टी, और टी बढ़ रहा तो बी भी बढ़ेगा। तो पी कांस्टेंट इस ग्राफ में हमें ड्रॉ करना है, पी कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ाना है, कुछ इसी टाइप का। अब यहां पर हो सकता है आपकी इच्छा हो कि यहीं तक आप बढ़ाइए, यहां तक बढ़ाइए या यहां तक बढ़ाइए, कहां तक बढ़ाएं, तो इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ में आपको दिख जाएगा। एक्चुअल में अगर इस लाइन को देखिए तो ये लाइन क्या है, पीटी ग्राफ, और पीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस वाले लाइन पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, मतलब ए और सी दोनों का वॉल्यूम सेम, तो एग्जैक्टली ए के ही ऊपर होगा सी। तो ये ज्यादा एक्यूरेसी जब आपको ग्राफ में लानी हो तब आपको ये सब चीज ध्यान रखनी होगी। एक रफ स्केच से ही वैसे ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आपके बन जाते हैं। उसके बाद सी से डी के लिए फिर बात करते हैं, तो सी से डी में टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कम हो रहा तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। अब सी से डी फिर टेम्परेचर कांस्टेंट तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और प्रेशर को कम करना है मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है और नीचे प्रेशर को आपको कम करना है। फिर डी से ए में क्या कांस्टेंट है, तो यहां से यहां में प्रेशर कांस्टेंट, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए, तो इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टेम्परेचर कांस्टेंट और फिर प्रेशर कांस्टेंट। देख भी सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी इधर से इधर आने पे कम होगा और वहां भी कम हो रहा है। तो यही आपका ग्राफ हो गया इसका। अब अगर वीटी ग्राफ इसी का ड्रॉ करते हैं, तो इधर वॉल्यूम, इधर टेम्परेचर। वीटी ग्राफ बनाने के लिए चलिए क्या करना होगा हमें, तो इस केस में वी वर्सेस टी ग्राफ के लिए फिर अगेन प्रोसेस से स्टार्ट करिए। ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो बना दिया हमने ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट। ए से बी जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा, मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे ए ऊपर है बी नीचे। ए से बी जाने पर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम कम हुआ, इसलिए ऊपर ए रखना है, बी को नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, तो बी से सी जाने पर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। पीटी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट के लिए कैसा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आपका इसी लाइन पे होगा। अब सी किधर लेंगे, तो बी से सी जाने पे टेम्परेचर बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो यहां से इसी लाइन पर लेंगे। साथ में कहां, यहां 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 कहां पॉइंट, तो हमने पहले डिस्कस किया था ए और सी दोनों पर वॉल्यूम सेम है, तो जो ए वाली हाइट है इसी हाइट पे समवेयर आपका आएगा सी। स्टार्टिंग में उतना एक्यूरेट नहीं भी बने, जस्ट अगर नेचर आप सही बना रहे हैं तो उतने से काम चलाइए, बाकी ग्रेजुअली एक्यूरेसी आ जाएगी ग्राफ में। फिर सी से डी देखें तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, और सी से डी में प्रेशर कम करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, मतलब ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा थोड़ा जगह। चलिए ये था पीवी, तो ये आपका कुछ ऊपर जाएगा। इसके बाद सी से डी समवेयर इधर आएगा। फर्दर आपको बताना है डी से ए में
फिर प्रेशर कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर थोड़ी जगह की कमी हो रही है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। यही वाला पॉइंट आपका डी है, ओवरलैप कर गया है, बट नेचर ध्यान रखिए, कुछ इस नेचर का। बाकी मैंने पीवी बीटी और पीटी तीनों से कन्वर्जन करके एक एक आपको बताया, कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे। इसमें पीवी एंड बीटी ग्राफ कर लीजिएगा, पीटी बचे दोनों बनाने हैं, इसमें पीवी दिए हैं बचे दो। पीटी पीवी हो गया, तो अब वीटी कर लीजिए। इसमें ड्रॉ पीवी एंड पीटी ग्राफ, एंड फाइनल पी वर्सेस वी इसमें ड्रॉ करिएगा अगेन। बाकी ड्रॉ पीटी एंड वीटी ग्राफ। चलिए अब ग्राफ के बाद जैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं गैस लॉज के प्रैक्टिस पर, तो वैसे केमिस्ट्री में भी किए होंगे, वैसे हो सकता है एक और क्लासेस पर लेंगे और उसमें आपको थोड़ा सा गैस लॉज पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो तब तक अपने से केमिस्ट्री वाले पार्ट में आप प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में पढ़े होंगे, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिएगा। बाकी सभी ग्राफ को बनाएंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए।